My grandfather was absolutely, you know, against me getting into film industry. उन्होंने कहा कि ये करना ही नहीं है. मेरी माँ को छोड़ के सब लोग मेरे खिलाफ थे. I gave hope कि ये लोग कभी मानेंगे नहीं लाइफ में, ये ऐसे ही हैं. फिर क्योंकि आया, लकीली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बालाजी और मैंने बताया, महेंद्र बत्रा सबको, यार ये देखो मेरे को एक ऑफर आया है बालाजी हाउस से, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ऐसा नाम है उसका. क्या ये सब लेडीज की सीरियल करता है तू यार. उस जमाने में येलो पेजेस करके एक बुक होती थी, येलो पेजेस, तो उसमें एडवर्टाइजिंग का कॉलम था, उसमें 20-25 पेज एडवर्टाइजिंग के. तो उसमें ढूंढ के ना मैं नंबर पे फोन करता था नीचे जाके, एक 10-15 कॉइन लेके पब्लिक बूथ से. उसके बाद सब आहा देगा तेरा बेटा देगा. थैंक यू दादाजी. कोई मुझे बोला भी तू मिहिर बन जा, अभी तेरा नाम ही बदल दे. मैंने कहा क्यों, आप लोगों ने नाम दिया अमर. नहीं नहीं यार, सब तुझे वही बोलते रास्ते. Suddenly after the death scene, things changed for me in life. I was born. Nepotism का एक word ऐसा पैदा कर दिया गया कि nepotism. लेकिन ultimately आपका जो luck है, luck factor बहुत important है, आपका talent है. मामा चाचा बाप दादा कोई है industry में तो आपको break मिल जाएगा, एक बार दो बार. ये survive तो करना पड़ेगा ना आपको आगे. मुझे बोला गया था कि आप TV करोगे तो फिर फिल्मों में नहीं चलोगे. You can think over it and you can ponder over it and you can think it. कहाँ गलत हुआ मेरा, मतलब क्यों वो भाषा सही नहीं पड़ा. आई डोंट गेट इन डिप्रेशन और रिग्रेट थिंग्स के और पागल हो जाऊँ उसके पीछे. आई मूव ऑन. आई एम नॉट फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड और एनीथिंग. सो यू आई लर्न फ्रॉम स्मॉल मिस्टेक्स दैट आई मेक एंड आई मेक श्योर आई डोंट रिपीट दैट. करीब 30 साल पहले एक क्यूट सा चेहरा इंडियन टेलीविजन पर आया और उसने सबको अपना दीवाना बना दिया. उसके कुछ सालों के बाद इस एक्टर को एक ऐसा शो मिला जिससे वो घर घर पहुंच गया. नाम था अमर उपाध्याय और कैरेक्टर था मिहिर वीरानी. जब मिहिर वीरानी की डेथ हुई तब पूरा देश बहुत बुरी तरह से रोया. वो मूवमेंट आपको याद है अमर? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन न्यूज. थैंक यू सो मच भारत. थैंक यू सो मच. मूवमेंट याद है आपको? बिल्कुल. क्या हो रहा था देश में उस वक्त? हाँ, उस वक्त जो हो रहा था वो मैं पहले तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये. मतलब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोग मुझे इतना फ़ोन कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं. मेरे घर पे आ जाते हैं सफ़ेद साड़ियाँ पहन के औरतें. और इनिशियली तो मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा हो जाएगा. इट वॉज जस्ट द फर्स्ट डेली शो ऑन टेलीविजन. मतलब टेलीविजन का पहला एक जॉइंट फैमिली वैल्यूज़ पे बना हुआ एक डेली सोप था. तभी नॉर्मली डेली सोप का ट्रेंड नहीं था, तो रोज़ देखने की आदत नहीं थी लोगों की. तो ये पहली बार आया और इतना बड़ा ये इवेंट हो गया वो डेथ का. बट डेथ वॉज एक्चुअली प्लान्ड, पहले से प्लान्ड था. तो आई वॉज डिप्रेस्ड एक्चुअली कि मेरे को तो फिर काम ही नहीं मिलेगा इसके बाद, तो काम पता नहीं बंद हो जाएगा मेरा, क्योंकि मतलब आई डोंट नो व्हेन आई एम कमिंग बैक. आपको ये तो नहीं लगा कि शो से हटा रहे हैं आपको? नहीं, ये प्री प्लान था. अच्छा. कि मेरा डेथ जो मुझे पहले से बताया गया था. लेकिन मुझे इस बात का डर था कि यार इसके बाद काम ढूंढना पड़ेगा. ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था. लेकिन फॉर्चुनेटली आई वुड से कि ऐसा वाकया हो गया टीवी में कि यू नो सडनली आफ्टर द डेथ सीन थिंग्स चेंज फॉर मी इन लाइफ. आई वाज बॉर्न. अच्छा, 30-31 साल पहले देख भाई देख आया था शो. Yeah. और उससे आपने डेब्यू किया था 93 में टेलीविजन पे. इट्स मोर देन लाइक 31 इयर्स. हाउ वाज दैट फीलिंग? मतलब उस समय तो बहुत यंग थे, क्या उम्र रही होगी आपकी? मैंने 10th खत्म किया था मेरा और 10th के बाद मैं जरा भटक गया था कि मुझे क्या करना है लाइफ में. यू नो कोई बोल रहा था इंजीनियरिंग करो, कोई बोल रहा था यार तुम यू नो आर्ट्स लो, कॉमर्स लो. दोस्त लोग बोल रहे थे यार ज्यादा लोड मत ले, कॉमर्स कर ले यार. काय को इंजीनियरिंग, मतलब माय पेरेंट्स वांटेड मी टू डू इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट. माय अंकल्स वांटेड, माय फ्रेंड्स सेड यार चलना NMA चले जाते हैं यार, मज़ा आएगा कॉमर्स वॉमर्स. तो बहुत मैं कन्फ्यूज था कि क्या करूँ ना. सो उतने में हम लोग कहीं घूमने चले गए थे, तो कोई पिक्चर विक्चर्स लिए थे डैड ने मेरे. तो कुछ लोगों ने बोला यार तू मॉडलिंग कर ले, तब टाइम पास कर ले. टाइम डिसाइड तो मैंने ये कैसे होता है, तो वो एक प्रोसेस शुरू हुआ कि कैसे होती है मॉडलिंग, कैसे मिलती है कोई एड्स वैड्स. तो उस जमाने में येलो पेजेस करके एक बुक होती थी, येलो पेजेस, तो उसमें एडवर्टाइजिंग का कॉलम था, उसमें 20-25 पेज एडवर्टाइजिंग के. तो उसमें ढूंढ के ना मैं नंबर पे फ़ोन करता था नीचे जाके, एक 10-15 कॉइन लेके पब्लिक बूथ से. बोलते थे आपकी ऑफिस कहाँ है? तो जाके मैंने कुछ ऐसे नॉर्मल से पिक्चर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और सडनली आई गॉट अ कॉल कि वी सिलेक्टेड फॉर यू नो वन एड. अच्छा, कहाँ है? मड़ में शूटिंग के पास में ही है. माई मॉम ऑल्सो पास में जा रहे हैं तुझा. ओके, आई वॉज सीइंग कांदिवली दैट टाइम.
तो वहाँ चला गया और वो ऐड मिला मुझे और आई वाज एंजॉयिंग द होल प्रोसेस फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ और पैसे भी मिल गए। कितना मिला था फर्स्ट पे चेक? कितना? पहले दिन का 500 रुपये मिला था। क्या किया था उसका? दो दिन छूट थी मेरी, 1000 रुपये मैंने घड़ी ली थी पहले एक 500 रुपये की और 500 रुपये मेरी मॉम को दिए थे। बोला घड़ी अच्छी होनी चाहिए यार, हाथ में टाइम पे पहुँचने की नहीं, ट्रेन में धक्के खा के बस में चढ़ के कहीं पर लेट ना हो जाए, तो बोला घड़ी होनी चाहिए। तो ये घड़ी ली मैंने, मेरी मॉम को 500 रुपये दिए, तो 1000 रुपये ऐसे ही मेरे हो गए। उसके बाद आई स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ पीपल एंड आई गॉट मोर एड्स। सो कपल ऑफ मंथ्स आई डिड अबाउट 5-6 एड्स यू नो एंड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ 16-17 ईयर ओल्ड बॉयज, गुड मनी स्टार्टेड कमिंग इन। तो आई थॉट क्यों ना ये थोड़ा सा और इसमें मेहनत की जाए। और उतने में देयर वाज दिस आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आनंद महिंद्रू ऑफिस वन फाइन डे एंड सेड आई एम आनंद महिंद्रू एंड यू हैव टू कम एंड मीट मी। आई सेड सर वेयर व्हाट इज इट? एक टीवी एशिया करके एक चैनल है लंदन में, उसके लिए हम लोग शो बना रहे हैं। बोला इंग्लिश है कि नहीं, नहीं हिंदी शो फॉर टीवी एशिया लंदन एंड यू हैव टू कम एंड मीट मी फॉर दैट और सब्सिक्वेंटली कम इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, कौन कौन है? शेखर सुमन है और फरीदा जलाल है, नवीन निश्चल है, सुषमा सेठ, ऑल दिस बिग बिग नेम्स एंड ऑल दैट। मैं गया मिलने और मुझे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो मैं एकदम सच दस के गया था प्रॉपर इंटरव्यू के लिए। तो बोला कि 17-18 साल का है लेकिन चाचू है, और इतना छोटा चाचू कैसे हो सकता है? वो चाचू भी क्या चाचू था? साहिल चाचू। हाँ साहिल चाचू। तो बोला छोटा 17 साल का लड़का चाचू कैसे हो सकता है? बोला नहीं वो है, वो उनके जो अंकल थे उनके छोटे भाई का बेटा है जो लंदन से आ रहा है। ठीक है, तो मैं गया मिलने, तो ही वॉज एडिटिंग समथिंग ऑन द थिंग। आनंद महिंद्रू वर्कहोलिक, सुबह शूट करते रात को एडिटिंग करते थे। तो मैं उनके एडिटिंग रूम में जाके बैठा, तो ही वॉज एडिटिंग, मुझे बोला मेरे पीछे पीछे लाइन बोलो। लाइन पीछे पीछे लाइन बोलो, कोई स्क्रिप्ट नहीं है कुछ नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो लाइन बोलते जाओ। तो ही सेट सम लाइंस एंड आई रिपीटेड दोज लाइंस। ऐसे कल सुबह 9 बजे अपनी शिफ्ट है। बोला मतलब हो गया, आई वाज सरप्राइज। मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं मुझे कि यू नो कि क्या होता है इसमें। मुझे लगा लंबी स्टोरी स्क्रिप्ट आएगी और फिर वो याद करनी पड़ेगी और उसके बाद ऐसे प्रोसेस आई हर्ड यू नो कैसे कुछ होता होगा। सडनली ही सेट की 4 लाइन बोलो, मैंने 4 लाइन रिपीट करी। तो ही मस्ट हैव थॉट कि इसको आता है बोलने को, और देखा तो मैं पहुँचा तो बहुत सारे बच्चे थे उधर, विशाल सिंह था और 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब यार ये तो दिस इज काइंड ऑफ अ फन शूट यार। फिर ऐसे मेरा वो शुरू हुआ सिलसिला देख भाई देख से, और टिल टुडे आई एम एंजॉयिंग द होल फन ऑफ इट यार। बट ये तो वाला जमाना था ना जब बाउंड स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी, मतलब सेट पे डिसाइड हो जाता था कि क्या डायलॉग किसको बोलना है, तुम ये बोल दो तुम वो बोल दो। एक्चुअली वो क्या होता था कि उस वक्त तो आराम से काम होता था, आज बहुत चेंज हो गया है। उस वक्त तो डेली सोप का जमाना नहीं था ना, लॉट ऑफ प्रेशर इज सच ऑन द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स और द एक्टर्स। वहाँ पर हफ्ते में आधे घंटे का एक एपिसोड आता था, 1 एपिसोड अ वीक, हाफ एन आवर। सो वी यूज्ड टू शूट देख बाय देख अबाउट 27-28 मिनट्स ऑफ कॉन्टेंट इन 2.5 डेज, अनलाइक टुडे। टुडे वी हैव टू शूट 23 मिनट ऑफ कॉन्टेंट इन 12 आवर्स, दैट्स अ मस्ट, अदरवाइज यू आर लॉस बेसिकली। सो उस वक्त तो सुबह जाते थे तो दोपहर को 12-1 बजे तक तो आनंद महेंद्र ने लीली पुटेस टू राइट द स्क्रिप्ट, डायलॉग्स बनते थे गरम गरम और वो चेंज होते थे यू नो। और फिर एक यू नो जब तक आनंद महेंद्र नेवर फेल कि ये ह्यूमरस नहीं है, तब तक वो ओके नहीं होता था। तो 3-4 घंटे तो लिखने में जाते थे एवरी डे। हाउ यू गॉट मिहिर ईरानी, वो स्टोरी क्या है? स्मृति ईरानी की कास्टिंग कैसे हुई ये तो सबको पता है, हाँ तुलसी कैसे बनी स्मृति ईरानी, बट how did you get casted in? Kyunki you know it's very funny, when I was doing a serial called Tulsi jo Romesh Sharma ki serial thi jo dopahar ko aati thi DD1 pe, dopahar ka slot tha 4 serial ka you know, so usme se wo ek show tha Tulsi jisme main main lead kar raha tha, to that was going off air, Mahendra Patra director the unke, to bola yaar ye अजीब इंडस्ट्री है यार, एक काम ख़त्म फिर काम ढूंढो यू नो, एक काम ख़त्म अचानक हो जाता है। तो 2 साल मैंने वो सील किया तुलसी, स्मिता बंसल वॉज प्लेइंग तुलसी इन दैट यू नो। सो लकीली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बालाजी और मैंने बताया महेंद्र बत्रा सबको, यार ये देखो मेरे को एक ऑफर आया है बालाजी है उसे, अच्छा एकता का बहुत शो बनाती है ना सर, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ऐसा नाम है उसका, कल मेरा ऑडिशन है उसके लिए। क्या ये सब लेडीज़ की सीरियल करता है तू यार, तू
कुछ और कर यार। मतलब सर कुछ और है ही नहीं, अभी कुछ यही एक आया हुआ है अभी, क्या आप कुछ और, आप बंद कर रहे हो शो, आप मत बंद करो, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। अरे मेरे हाथ में थोड़ी है दूरदर्शन ऐसा वैसा कर रहा है, तो बोला सर जाना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो एंड आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे वाज यू नो, सो आई टोल्ड हिम बिकॉज आई वांटेड एन ऑफ नेक्स्ट डे बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टेस्ट। सो ही वाज वेरी नाइस गाय, यू नो, ही इज वेरी नाइस, ही सेड जाया तू कल मैनेज कर लूँगा मैं, तेरा टेस्ट देखे आया तू। तो आई वेंट देयर, तो मैंने देखा कि ऑलरेडी चार पाँच लड़के लोग बैठे हुए हैं। यार ये सीरियल लेना बहुत जरूरी, कोई पहचान वाला था क्या उसमें चार पांच लोगों में? हाँ था। नाम बताओ आप। तभी वो इतना फेमस नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त था। नाम बताओ आप। सेजान। ओह, सेजान खान वाज सिटिंग देयर। तो आई गो टॉकिंग टू हिम एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो सब मेरे पहले आए हुए थे, तो उनका नंबर मेरे से पहले था। लो यार, ये मेरे पहले अगर इनका नंबर लगा और ये कोई और सिलेक्ट हो गया, तो मेरा तो ये पता कट जाएगा, ये शो बंद हो रहा है और अभी भी शादी हुई है। बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैं जरा, मैं लू कहाँ है, लू, मैं लू के बारे अंदर गया। बोला अभी, बोला स्क्रीन टेस्ट कहाँ हो रहा है? तो बेसमेंट में हो रहा था नीचे, आशीष पाटिल वो डायरेक्टर वो ले रहा था। बोला गिव मी स्क्रिप्ट। मैंने स्क्रिप्ट ली, साइड में खड़े होकर मैंने स्क्रिप्ट बाहर करी। बोला आई एम रेडी। वो लोग सब बैठे थे ऊपर बाकी लोग, तो मैंने थोड़ा सा जमा के मैंने टेस्ट दे दिया। बोला यार ये दिस इज लाइक डू ऑर डाई फॉर मी, यू नो आई हैव टू गेट दिस बिकॉज ऑब्वियस रीजंस, यू नो आई नीड वर्क। सो आशीष लाइक ही सेज बहुत सा किया तूने यार, ठीक है। शक्ति सिंह भी वहाँ थे जो मेरे फादर, ही वॉज ऑलरेडी कास्टेड सिलेक्टेड एंड ही वॉज एक्चुअली शूटिंग द सीन, द शो वॉज ऑन, मतलब शूट वॉज ऑन। बोला सर देखो ना, फिर फटाफट भेज दो ना ऊपर, इसको भेज दें उसको। तो टुक द टेप एंड वेंट टू एकता एंड शोभाजी एंड दे लव्ड इट। बाकी सबको भेज दिया, मेरा ऑन हो गया सिलेक्शन। सेजान का टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, भाई नहीं, टेस्ट ही नहीं हुआ। आई वाज ऑन, दे गॉट द मीर फाइनली आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ हंटिंग मी, दे गॉट मी हियर। सो दे सेड ही इज ऑन एंड दे स्पोक टू मी एंड सेड विल यू शूट अ एक्चुअल सीन नाउ। आई सेड यस। तो फर्स्ट सीन आई शॉट विद माय मॉम अपरा मेहता, दैट वाज माय फर्स्ट एक्चुअल सीन जहां मुझे मारती है फुटबॉल से। सो दिस इज हाउ क्योंकि हैपेंड टू मी। It happened to me or I made it happen, I don't know. It just happened. You made it happen. I don't know. एकता के साथ काम करने वाले जितने एक्टर्स हैं, वो उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमेशा बहुत मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं एकता के लिए। What is your take on working with एकता? She is difficult to work with or she is easy to work with? She is very easy to work with. Not difficult at all. एकता is a workaholic. She works a lot. मतलब उतना काम तो शायद मैंने उतना काम नहीं किया होगा जितना वो एकता हैज़ वर्कड। आई हैव सीन हर एक ज़माने में, उस मतलब उस वक्त बालाजी हाउस के एंट्री में एक बोर्ड लगता था, वाइट बोर्ड लगता था, और वाइट बोर्ड पे ना उनके 15 सीरियल्स के नाम लिखे जाते थे कि कौन सी सीरियल की किस लोकेशन पे शूटिंग है। और कई साल तक जब मैं बालाजी में क्योंकि करता रहा, क्योंकि कलश, बाकी मैंने शोज किए, तो मैंने लिस्ट लगातार देखी है कि कभी 12-15 सीरियल से कम नहीं हुए। यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वर्क बालाजी वॉज डूइंग दैट टाइम इवन टुडे। ये संक्रमण में और ये बालाजी हाउस में 5th फ्लोर पे, ये बेसमेंट में क्योंकि, और ये इधर उसमें रोज दिखता था। मतलब बाय डिफॉल्ट यू सी दैट बिकॉज व्हेन यू एंटर द बोर्ड इज देयर, सो यू सी दैट लिस्ट, यू नो। इमेजिन कितने सारे शो यार। और एंड आई गॉट टू नो कि एकता हरसेल्फ इज टू सिट विथ ऑल द डिफरेंट राइटर्स थ्रू आउट द डे एंड डिसाइड द ट्रैक्स, कि किसके ट्रैक में क्या मोड़ आएगा, क्या होगा। एंड इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो शी इज अ वेरी यू नो वर्कहोलिक पर्सन, वो काम करती है बहुत। और वॉट एवर बालाजी टुडे आई थिंक इज ऑल एकता। अमर, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू हैड अ फॉलो आउट विद एकता आल्सो, बोथ यू एंड स्मृति, बोथ द लीड्स, व्हाट वाज दैट स्टोरी? देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो एकता वॉज वेरी पजेसिव विद द कैरेक्टर मिहिर बिकॉज शी मेड मिहिर। मतलब जैसे मैंने पहले कहा, महेंद्र बत्रा ने कहा था कि ये क्या औरतों वाली सीरियल कर रहा है, बट मिहिर वॉज द वन हु स्टूड आउट ऑफ दैट होल यू नो शो इनिशियली। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एकता। एकता सिंगल हैंडेडली बैक्ड मिहिर इज कैरेक्टर सॉलिड। व्हेन शी न्यू दैट मिहिर वॉज गेटिंग पॉपुलर, शी बैक्ड इवन मच मोर हार्डर कि मिहिर शुड शाइन। तो शी वेंट आउट ऑफ द वे टू मेक मिहिर वॉट मिहिर इज टुडे। एंड वॉट आई थिंक इवन टुडे व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन आफ्टर सो मेनी इयर्स, 24 years, is because of what Ekta made Mihir. So obviously she was possessive of the character. Even if I produce something today and if I make a character, I will be very possessive of that character. Ki bhai maine banaya hai isko yaar, tu usko mat. So she was right from her point of view, but I was also right because I wanted some time to also explore other genres, you know, like
films हो, कुछ और हो. सो आई वॉन्टेड टू डू बोथ बट दैट वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज आई वॉज डूइंग मैनी तेरे नाम की अरुणा रणीस, आई वॉज डूइंग कलश एकता कपूर्स, आई वॉज डूइंग क्योंकि ऑल्सो जो थ्री सीरियल्स. इवन टूडे इफ यू डू वन सीरियल आज एक करते हो तो लगता है कि टू मच यार, 25 दिन तो तुम्हारे ब्लॉक हो गए. उस वक्त मैं तीन तीन करता था, तीन शिफ्ट में काम करते थे भाई. मैं बहुत काम करता था उस वक्त क्योंकि आई लव्ड इट. ऊपर से मेरे पास तीन चार मूवीज का भी ऑफर था उस वक्त, तो आई वांटेड टू डू इट ऑल. तो कुछ डेट्स को लेकर नहीं हो रहा था मैनेज. डू यू रिग्रेट इट चूजिंग एलओसी कारगिल ओवर क्योंकि? सी आई डोंट रिग्रेट इट. आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज़ द काइंड ऑफ सक्सेस यू होप्ड फॉर बाय एलओसी कारगिल, इट डिडंट हैपन. सी टुडे आई फील दैट यू नो that point of time, see, when you at that point of time in that circumstances the decision I took were right, so I don't regret it later. You can think over it and you can ponder over it and you can see ki kahan galat hua mera, matlab kyun wo bhasha sahi nahi pada. I don't get into depression or regret things ke aur pagal ho jaun uske piche. I move on, chahe wo acha ho chahe wo galat hua ho mere se. I have no one to blame. I don't even blame myself for that. Okay, उस वक्त जो हुआ वो सही हुआ. You know, बोलो महाभारत क्यों हुआ? उस वक्त सही हुआ ना यार, जो हुआ वो सही हुआ, होना था हुआ. So you can't keep on thinking about it and spoil your other days. You know, so I move on. So I don't regret at all. और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है life में. And I'm not from filmy background or anything. So I learn from small mistakes that I make. And I make sure I don't repeat them. मतलब टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के फेवरेट तो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा. हाँ? एकता से भी आपका वापस पैचअप हुआ, उसके बाद आपने एकता के भी शोज किए. हाँ, मुल्की किया. हाँ, मैंने उसके बाद मैंने कसौटी किया था एज ए स्पेशल अपीयरेंस, काफ़ी शोज किए उसके बाद. एंड अरुणा जी की भी फेवरेट रहे हैं आप? अरुणा जी, यस, अरुणा जी इज अ अमेजिंग पर्सन. यू नो शी कॉल्स मी अ सन. यू नो वो क्या करती हैं, वो दुनिया में सबको टेस्ट कर लेती हैं, फिर बोलती है नहीं यार अमर को बुला, अमर ही चाहिए, अमर ही चाहिए मुझे. आई लव फॉर दैट. लाइक देश में लाओ चांद में, यू नो ऐसे ही हुआ. वरुण बड़ोला ने शो छोड़ा था तो दे वॉन्टेड देव फॉर दैट शो, यू नो डबल रोल के लिए देव और रोहित शर्मा. मेरा दो रोल थे उसमें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. शी मस्ट हैव, शी टोल्ड मी हरसेल्फ, शी टेस्टेड अबाउट 70-80 बॉयज वाला, लाइक डूइंग वेल ऑन टेलीविजन एंड स्टेज. एंड फाइनली शी कॉल्ड मी आफ्टर टेस्टिंग सो मेनी बॉयज कि यार अमर, अमर को बुला दो. सो I've done 3-4 shows with her and she's an amazing person to work with. बहुत उनकी जो समझ है अरुणा जी की, जो फिल्म मेकिंग को लेकर और स्टोरी की जो समझ है, that is phenomenal. She understands it so well. आपका बेटा बड़ा हो गया है अब, काफ़ी गुड लुकिंग है. मेरी लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बोला था कि उसको भी मैं चाहता हूँ अब अगर वो चाहे तो एक्टर बने. क्या लगता है? See, आजकल के बच्चों का ना, you cannot force something on them. Yeah. You know, like when I was his age, my father wanted me to do something else and I became an actor, you know. So even he couldn't force on me. He was a banker. He wanted me to be you know, main safe koi job kar lu, 9-to-5 wala, 9-to-5 wala zindagi sukoon se main bhi banking mein aa jaau aur aaram se, koi tension nahi hai, koi nikalega nahi kuch nahi, aisa sab. Mera aisa sab 9-to-5 mera mentality nahi hai pehle se. So and I wanted to be an actor, so maine nahi suni to main kyu bolu kisi ko, mere bachchon ko. सो जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है आपसे बात करने के लिए. और ये मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था, ये नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है जिसमें सिर्फ आप और मैं बात करेंगे. इन सबके पास अपने अपने सवाल हैं. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. अमर, जैसे कि आपने बताया कि अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो आगे जाके उनको क्या बनना है, वैसे आपके पिताजी भी चाहते होंगे कि आपने अगर केमिकल इंजीनियरिंग की है तो उसी रिलेटेड कुछ करें. और सोचा होगा कि यार ये क्या, मतलब फिल्मों में जाएंगे, क्या पता कब आज कमाने मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट केमिकल इंजीनियरिंग करके कुछ तो लाइफ, एटलीस्ट लाइफ सेट तो हो जाएगी. आपका क्या रिएक्शन था उनको जब आपने उनको बताया कि नहीं केमिकल इंजीनियरिंग तो मैंने कर ली है बट मुझे अब एक्टिंग करनी है? भैया वॉर छिड़ गया था पहली बार तो घर में, और जब पता चला कि यार ये तो ज़िद्दी है, मानने वाला नहीं है, देन माई मॉम सपोर्टेड मी मेजरली. माई ग्रैंड फादर वॉज एब्सोल्युटली यू नो अगेंस्ट मी गेटिंग इन टू फिल्म इंडस्ट्री. उन्होंने कहा कि ये करना ही नहीं है, बहुत इनसिक्योर लाइन है, कब काम मिला नहीं मिला, तू क्या करेगा जिंदगी में, तू क्या आगे. मेरी दादी, दादाजी, मेरे चाचा, मेरी मॉम को छोड़ के सब लोग मेरे खिलाफ थे. आई हैड वन सपोर्ट
एंड आई हेल्ड टू हर एंड आई फिर क्या ना फिर काम बोलता है आपका यू नो फिर मैंने कुछ एड्स किए मैंने तो एड्स तो कोई देखता नहीं था यू नो तब क्यों जब मैं देख भाई देख में आया पहली बार तब थोड़े शांत हुए सब लोग अरे हाँ देखो दिख तो रहा है किधर ये लड़का हाँ दिख रहा है यहाँ से वहाँ भाग रहा है कुछ कर रहा है डायलॉग बोल रहा है चलो चलो एक मौका और दो इसको तो सब थोड़े शांत हुए लेकिन फिर भी इतने एक्सेप्टेबल मुझे एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कर रहा है फिर भी मुझे बोलते रहते थे आगे पढ़ ले बाहर चला जा पढ़ ले वहाँ सेटल हो जा ये कर वो कर ये सब लाइनें ठीक नहीं है ये तू एक कर रहा है अगला मिलेगा नहीं मिलेगा मैं बोलता था यार अभी और कितना प्रूफ करना है मैं ठीक है चलो दिख भाई वेरी पॉपुलर शो वेरी ठीक है वेरी पॉपुलर शो इवन टुडे पीपल नो अबाउट इट नहीं मानते फिर दो तीन और शोज आए फिर भी नहीं माने मैंने आरजू किया मैंने सुहाना सफ़र माधवन के साथ वो शो था मेरा सुहाना सफ़र जी पे आता था इतना बड़ा पॉपुलर शो था वो भी किया मैंने संगीता घोष के ऑपोजिट तो भी नहीं माने बोला ये क्या तुम आई गेव होप कि ये लोग कभी मानेंगे नहीं लाइफ में ये ऐसे ही हैं सब ओनली माय मॉम अंडरस्टैंड्स मी नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स मी फिर क्योंकि आया फिर ये हादसा हुआ जैसे इन्होंने बताया उसके बाद सब बोले आह देगा मेरा बेटा देखो थैंक यू दादाजी थैंक यू सो मच फाइनली आफ्टर 7-8 years ऑफ माई स्ट्रगल विद यू गाइस यू एक्सेप्टेड मी घर वालों ने नाम चेंज तो नहीं किया आपका अमर छोड़ के मीर बुलाना शुरू कर वही मुझे बोला भी है तू मीर बन जा भी तेरा नाम ही बदल दे मैंने कहा क्यों आप लोगों ने नाम दिया अमर नहीं नहीं यार सब तुझे वही बोलते रास्ते तो अमर जी जैसे कि 30 सालों से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा है बॉलीवुड में टेलीविजन में आपने दोनों में काम किया है टेलीविजन इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री आपको कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा पसंद आई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फॉर माई काइंड ऑफ मेंटालिटी टी वी इज अ बून एक्चुअली मैंने डू अ डेली शो पर एक 8-10 महीना 1 साल तो आप काम करते हो रेगुलरली 20-25 दिन 15-20 दिन और फिर 8-10 दिन बैठना पड़े तो अलग बात है क्योंकि यू नो कि यार अब चालू है काम अब फिल्म में क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट खत्म होता है ना देन यू आर सिटिंग एट होम फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू स्टार्ट कि उसके बीच में गैप होता है यू नो इफ दैट्स योर चॉइस एंड दैट्स योर मेंटालिटी एंड दैट्स व्हाट यू हैव आर फ्रेम्ड टू डू इट सो दैट्स फाइन फॉर यू टीवी इज अ वेरी डिफिकल्ट मीडियम इट्स नॉट ईजी मीडियम टू वर्क स्क्रिप्ट आपको लास्ट मोमेंट में आती है ऐसा नहीं है कि आपको बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है कभी नहीं मिलती है टीवी में सो यू हैव टू बी दैट गुड कि आपको 15 मिनट पहले आपको 5 पेज के सही सीन मिला है तो आप रेडी हो जाएं यू कैन नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज एज आई टोल्ड यू 23 मिनट का यू नो फुटेज निकालना पड़ता है दिन में शूट करना ही पड़ता है दैट्स कंपल्सरी सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर लॉट ऑफ एक्टर्स ऊपर से कब चला जाए समझ में नहीं आता लेकिन यू हैव टू बी यू नो एट इट एंड गिव योर बेस्ट ऑल द टाइम अमर सास भी कभी बहू थी जो सीरियल है उसमें स्मृति ईरानी के साथ आपका जो आपका और उनका जो बॉन्ड था आपका और उनका जो रिलेशन था उसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था सो और अभी जो है स्मृति ईरानी वो काफ़ी पॉपुलर इंडियन पॉलिटिशियन है लीडर है सो राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डू यू शेयर विद हर सी मोर देन मी माय वाइफ शेयर्स अ बेटर बॉन्ड विद हर बिकॉज दे बिकेम फ्रेंड्स बिकॉज माय डॉटर वाज आल्सो इन दैट शो फॉर अ व्हाइल सो माय वाइफ यूज्ड टू कम ऑन द सेट So Smriti and Hetal, they both bonded like the best buddies ever, you know. So even today they are in touch. Smriti, of course, I'm in touch with her, but not that much as my wife is. So a very healthy working relation tha hamara tabhi. Aur hamari bonding bhi bahut achhi thi. Hum duniya bhar ki Gujarati mein baat karte the, duniya bhar ki baatein karte the idhar udhar Gujarati mein. Aur bahut achha mahol tha us waqt. Matlab we used to get along very well. Aapke paas bhi bahut offers the politics join karne ke. Haan, lekin wo chunav lene ka bhi offer tha maine suna. Haan? चुनाव लड़ने का भी ऑफर था आपके पास वो भी मुझे टिकट मिल रही थी एमपी के चुनाव लड़ने के लिए लेकिन आई वाजंट रेडी फॉर ऑल दैट यू नो इवन टुडे आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर ऑल दैट मैं बहुत खुश हूँ एक्टिंग से मैं आई एम इन द वेरी गुड स्पेस इन टेलीविजन एंड डूइंग गुड वर्क ऑन OTT जैसे गांधी अभी आएगा तो देखना बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ अच्छे स्पेस में हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आई ऑल्सो हैव टाइम टू डू माई अदर थिंग्स इन लाइफ small businesses that I'm doing here and there. So I'm doing that as well. So I'm a little preoccupied with all that things. So politics is a full-time job, which at the moment I'm not inclined to go there. Recently, Big Boss final हुआ है. हमेशा से कहा जाता है कि Big Boss scripted है, fake है. आप भी Big Boss season 5 के finalist रहे हैं. तो आप क्या कहेंगे Big Boss के बारे में? Is it staged or real? It's real. On record, I'm telling you, it's real. Everything is real. सी इट्स अ गेम शो हर गेम शो का एक कॉन्सेप्ट होता है और उसे बनाया जाता है उसका एक एक सेटअप होता है कि एक
क्या मतलब प्रोड्यूसर्स और द प्लानर्स जो होते हैं उनके, वो प्लान करते हैं कि इसमें क्या किया जाए कि कुछ ऐसा कंटेंट मिले कि लोग देखें हमारा शो. सी ऑल अबाउट टीआरपीस, इट्स एवरीथिंग अबाउट टीआरपीस. सो व्हेन यू सी यू नो एनी शो, तो बिग बॉस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट वेर 14-15 डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हु हैव नॉट मेट और लिव्ड टुगेदर और डिफरेंट मेंटल फ्रेम के लोगों को साथ में एक घर में बंद करके रखा जाता है, जहाँ पर ना आपके पास टीवी है, ना न्यूज़पेपर है, ना मोबाइल है, ना बाहर की दुनिया का कोई बंदा आप देख सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो. जो भी ये करना है वो घर के अंदर इन 14 लोगों के साथ आपको करना है. और ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं तो लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि दो दिमाग सेम नहीं होते, यू नो, सबके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, अलग अलग लाइफ स्टाइल्स होती हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हम जीते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं. किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ नहीं होता, तो कोई सहन कर जाता है, कोई सहन नहीं कर पाता किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ किसी को लग जाती है, किसी को बड़ी चीज़ नहीं लगती है. तो ऐसे अलग अलग लोगों को जमा के या एक साथ तो उनका पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं फिर इसके अंदर मुझे लगता है. और मुझे तो बड़ा मज़ा आया था. ये पूरा दिमाग का गेम है. इसी बिहेवियर भी एक दिमाग का खेल है कि कितना कैसा बोलते हो, कितना सहन करते हो, कितना सहन करना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, और कैसे बचते हो आप नॉमिनेशन से. अगर नॉमिनेट हो गए हो तो फिर अपने आप को आगे कैसे लेके जाते हो, सी कैसे बचा के. तो इस सब से बचना है आपको और आगे बढ़ना है गेम में. मेरा सवाल ये है कि आपको आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले, मगर कई बार ऐसी बातें आती हैं कि ये अवार्ड्स फिक्स रहते हैं, तो आपका क्या कहना है? मैं कभी इस सेक्टर में डीप में गया नहीं कि वो फिक्स्ड होते हैं या प्री डिसाइडेड होते हैं. आई डोंट नो, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला. माय रिवॉर्ड इज माय अवार्ड इज माय ऑडियंस हु लाइक्स मी. और आई रियली मैं आई थैंक गॉड कि मुझे लगातार काम मिल रहा है. मैं काम करना चाहता हूँ और काम मिलता रहे, एंड आई वांट टू वर्क, यू नो. सो वर्क कम्स फर्स्ट फॉर मी, मनी कम्स सेकेंड टू मी, एवरीथिंग एल्स कम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ. ये अक्षय कुमार वाली फिलोसफी, अवार्ड जाए भाड़ में. सी हाँ, बेसिकली अक्षय ने भी कहा, मैं तो ऑफकोर्स नहीं, इनका जो सुपरस्टार है ऐसे ही सुपरस्टार ही बनाए. उनकी मेंटालिटी और उनका थॉट प्रोसेस बहुत सही है. जैसे मैंने कहा ना, आई वॉन्ट टू बी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एक्टर बोथ, कि तुम्हारे फ्रेम, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, कितने में बनाना है, तुमको कैसे मेरी परफॉर्मेंस चाहिए. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, आपको कितने में चाहिए. ये अगर मुझे सूट करेगा तो मैं करूँगा, नहीं सूट करेगा मैं नहीं करूँगा. सो दैट प्रोसेस हैज़ टू बी वेरी क्लियर. टू सर्वाइव यू हैव टू यू नो थिंक राइट. लकीली टचवुड फॉर मी, आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. आई विश आई वुड हैव हैड समबडी फ्रॉम द इन माय फैमिली फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई वुड हैव लर्नड इट मच अर्लियर. मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं कुछ बिजनेस कर रहा होता यार, अच्छी बोलूँ मैं. लेकिन मैं बहुत यंग एज में मुझे पता था कि एक्टिंग ही करनी है मुझे, और कुछ करना होगा तो वो बाद में आ सकता है लाइफ में. और बीइंग फ्रॉम गुजराती फैमिली, यू नो, वी वुड सर्वाइव इन एनी बिजनेस. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. हिल यू नो अग्री विद मी, गाइस सिटिंग हियर नेक्स्ट टू मी अग्री. आप मुझे कहीं भी डाल दो, दो तीन महीने में मैं भाप लूंगा कि ये मैं कर सकता हूँ. दिमाग ऐसा ही हमारे का, ये बात तो है. बट मुझे क्या पसंद था, मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ. मुझे पसंद था एक्टिंग करना. दैट वाज मेरा ये शौक था कि मुझे करना है एक्टिंग 16 साल की उम्र से. तो फिर मैंने वही किया, और गॉड इज वेरी काइंड कि मैं आज तक कर रहा हूँ. 31-32 ईयर्स हो गए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा, और भगवान करे काम मिलता रहे और मैं काम करता रहूँ. मैं बाकी भी बिजनेस कर रहा हूँ जो इवेंचुअली ग्रो हुए साथ साथ में. मतलब आई डिडंट गो आउट ऑफ माय वे टू डू दैट, इट इज़ हैपन टू मी. और धीरे धीरे मैं वहाँ भी मेरी पकड़ बन गई अभी, तो आई एम डूइंग दैट ऑल्सो. प्लस एक्टिंग इज माई, अभी आज भी मेरा शौक है एक्टिंग करना, तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. हाय सर, आप ताइक्वांडो में भी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, सो ये आपने आउट ऑफ पैशन सीखा या इस फील्ड में भी आपका जाने का मन था? ये भी मुझे बचपन से सीखना था, तभी शोतोकन कराटे था, तभी
लेकिन ना क्या था, तभी बहुत ही कम सेंटर्स थे मुंबई में उसके, एंड माई पेरेंट्स ने डिडंट अलाउ मी टू गो टू पार्ला ऑल द वे टू लर्न कराटे फ्रॉम कांदिवली से वहाँ जाना, बोला इट्स टू मच, तुम स्कूल जाते हो फिर कॉलेज करोगे फिर ये भी करोगे तो ये सब कैसे कर पाओगे, तो उनको पता नहीं था, तो ये मेरे अंदर ही वो बात रहेगी बचपन से। सो परवेज़ खान जो मेरे गुरु हैं इसमें, वो मुझे कहीं मिले एक बार और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे घर में आके ट्रेन कर सकते हैं मुझे। सो उस वक्त फिर ऐसा माहौल बन गया कि यू नो 3-4 times a week ही वुड कम टू माई हाउस लेट इन द नाइट, ही वुड टीच मी दैट और समटाइम्स अर्ली इन द मॉर्निंग शूट के पहले। सो ये मैंने एक 7-8 साल परस्यू किया कंसिस्टेंटली, मैं कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि यार मुझे करना है और 4-5 दिन के भी छोड़ दिया, अरे यार ये दुख रहा है वो दुख रहा है, वो सब चलते रहते लोगों को, छोड़ देते हैं, टाइम नहीं मिल रहा, बहाना निकालते हैं, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। और फिर मैंने कंसिस्टेंटली उसको 6-7 साल किया और देन आई गॉट अ ब्लैक बेल्ट, और ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद एक शो में मेरा ACL टूट गया, मेरा लिगामेंट टूट गया मेरे पैर का, एक शो था 7-12 साथियाँ मैंने किया था फर्स्ट, तो आई वॉज बेड रिडन फॉर अबाउट 1 month, मैंने पूरा ये नया डलवाया, ACL डलवाया मैंने, नया लिगामेंट डलवाया, और उसके बाद फॉर अनदर 2 years आई वॉज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ अ मार्शल आर्ट, एनी काइंड ऑफ, तो फिर वो छूट गया उसके बाद प्रैक्टिस। फिर मैंने शुरू करना चाहा तो दूसरे पैर का हुआ अनदर शो में, तो दोनों पैर के मेरे ACL नए हैं डाले हुए हैं दोनों नीज में, तो मैम अभी सोचना ही छोड़ दिया है उसके बारे में, ताइक्वांडो फिर शुरू करूंगा, लेकिन मन होता है कभी शुरू करने का। हाँ, तो देख बाय देख में आपको जब पता चला जया बच्चन आपके साथ आई है, मतलब सेट पे आई है, तब आप बहुत नर्वस हो गए थे उस टाइम पे जया बच्चन के नेवर लाइक गर्ल जी, जया जी नेवर केम मच ऑन द सेट, लेकिन हाँ जया जी का एक था औरा कि उनका शो है, ABCL का शो है, मतलब सरस्वती ऑडियो विजुअल का शो है तभी बोला नाम, और एक बार जब वो पहली बार आई ना, तब मैं मेरा संजू का मतलब विशाल का और उर्वशी का सीन चल रहा था, अगर किसी ने देखा तो याद होगा कि वो एक लैंप लाया था मैं बाहर से, वो खाली हो जाती है उसमें, एक बहुत फनी सीन था। आनंद महेंद्र ने वहाँ से अनाउंस किया कि जया जी हैं हमार सेट पे, मेरा नाम लेके क्यों अनाउंस किया समझ नहीं आता, उसके बाद मेरे डर गया मैं नर्वस हो गया, और जया जी इसका मतलब सेट, और मैंने मैं लाइन ही भूल गया पहली बात, मैं ऐसे क्या हो रहा है, मेरा ऐसे क्यों हो रहा है। मैं फिर मैं उससे ओके हुआ 5-6 टेक के बाद, जब ओके हुआ ना तो मैं अंदर गया, बोला सर आपने बोला क्यों माइक मेरे नाम लेके क्यों बोला आपने कि जया जी आई हुई, मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था, मैं कुछ सही नहीं कर रहा था, तो वो मेरे साथ ये लग रहा था कि आप गड़बड़ करने वाले हो इसके लिए, ऐसा कुछ था नहीं, बोल के मेरी हो गई गड़बड़ उसके बाद, वो नहीं बोलते नहीं होती, सो दैट वाज यू नो लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा पहला, बट जया जी का इफेक्ट है वैसा, अभी आप कभी पेपराजी से पूछ लो कि जया जी का इफेक्ट कैसा है, वो आपको बताएंगे, आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे वीडियोस जया जी के, जब वो किसी रेड कार्पेट पे जाती हैं और वहाँ पे कोई मीडिया वाला पेपराजी वाला मिल जाए तो थर थर कांपते हैं वो जया जी के नाम से, आपने देखे वो वीडियोस? नहीं। अरे मैं आपको भेजता हूँ लिंक, आप देखो जरा, पूछो किसी से भी यहाँ पर, जया जी अगर किसी रेड कार्पेट पे चली जाए वहाँ पे तो पेपराजी होगा, मीडिया वाले भी होंगे, तो जया जी का इफेक्ट ऐसा है कि भाग जाते हैं सब वहाँ से क्योंकि वो डांट देती हैं। नेपोटिज्म काफी हॉट टॉपिक है फिलहाल बॉलीवुड और फिल्म टीवी इंडस्ट्री में, क्या आपके साथ कभी ऐसा फेस आपको फेस करना पड़ा है कि फेवरेटिज्म की वजह से आपको कोई रोल नहीं मिला? देखो ऐसा तो नहीं है कि किसी पुराने जमाने में भी किसी प्रोड्यूसर फादर ने या किसी सुपरस्टार फादर ने बच्चे को लॉन्च नहीं किया, लॉन्च मिल जाता है लेकिन आगे फिर बने रहना इंडस्ट्री में वो एक अलग बॉलगेम है। लॉन्च तो वो नए नए लोग, मुझे मिला था लॉन्च, मेरा तो कोई नहीं इंडस्ट्री में। नेपोटिज्म का एक वर्ड ऐसा पैदा कर दिया गया है कि नेपोटिज्म है, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो लक है, लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टैलेंट है, आप कैसे, मैंने कहा कैसे आप बिहेव करते हो, कैसे आप डिलीवर करते हो अपने गुड्स एज एन एक्टर, और सर्वाइविंग प्रोसेस एक अलग चीज़ है पूरी। नेपोटिज्म से क्या होगा, आपका अगर कोई मामा चाचा बाप दादा कोई है इंडस्ट्री में तो आपको ब्रेक मिल जाएगा एक बार दो बार, ये सर्वाइव तो करना पड़ेगा ना आपको आगे। मैं बोल रहा हूँ नेपोटिज्म से अगर ब्रेक मिला है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो इतना यूज्ड हो जाता है बंदा कि
मेरे तो हैं सब लोग मुझे लॉन्च करते रहेंगे, एक एटीट्यूड आ जाता है कई लोगों में. दिस वाई यू सी व्हेन पर्सन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, उसका एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है कि मैं मुझे सर्वाइव करना है. मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं अलाहाबाद से आया हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं साउथ से आया हूँ, तो उनका जो एक सर्वाइवल होता है वो एक कुछ कर गुजरते हैं, राइट, यू नो. सो जो बाहर से आए दे शुड बी मच मोर फॉर्चुनेट इन थिंग लाइक दैट कि यार मैं तो बाहर से आया, मैं तो सर्वाइव करूँगा, मैं तो देखो मेरा तो इंस्टिंक्ट है. नेपोटिज्म में थोड़ा सा वो हो जाता है कि मैं है सब लोग मेरे आसपास, तो वो कई लोगों में होता है, कई में नहीं होता. अल्टीमेटली इट्स योर लक एंड योर हार्ड वर्क एंड योर बिहेवियर इन द इंडस्ट्री, हाउ यू बिहेव विट टेक्स यू अहेड. बिहेवियर से भी लोगों को काम मिला है, अच्छे बिहेवियर से, और खराब बिहेवियर से अच्छे अच्छे एक्टर को निकाल दिया गया है शोज फिल्मों से. तो बिहेवियर, लक एंड हाउ यू कैरी योर सेल्फ इन इंडस्ट्री, दैट व्हाट मैटर्स. नेपोटिज्म हो ना हो फर्क नहीं पड़ता. अब मेरा बेटा एक लॉन्च हो जाए, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुमको सबसे पहले एक्टर बनना पड़ेगा, एक्टिंग करनी तो तुम पहले स्टेज से गुजरोगे, थिएटर करके गुजरोगे, तुम अपना बिहेवियर सही रखोगे. अगर मैं सबको सर बोल रहा हूँ तो तुम भी बोलोगे, क्योंकि वो एक रीत है यहाँ की. और फॉर्चुनेटली ही इज़ अ वेरी नाइस बॉय, बहुत अच्छा वेल बिहेव बच्चा है. लेकिन मैं बोला ये सब है ना, ये यू हैव टू बी नाइस, बिकॉज सब सब अपने अपने एक्सपीरियंस का लेके आए हैं, सब हार्डवर्क करके आए हैं, एक अपना मुकाम सबने बनाया है, तो उसकी एक इज्जत होती है. वाइल यू आर फाइंडिंग अ डेब्यू for making into films or even, you know, finding a right role. So, वो टाइम पे आपको कभी stereotype किया गया कि you are just a television actor? तो उस वक्त मुझे बोला गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे बोला गया था कि आप टीवी करोगे तो फिर फिल्मों में नहीं चलोगे. सो ये मुझे बोला गया था कि यू नो टीवी के एक्टर टीवी में चलते हैं. फिर मैंने उनको ये भी काउंटर किया था उस वक्त कि अमिताभ बच्चन, तो मुझे बोला गया वो वन ऑफ अ काइंड है, विच इज़ अगेन ट्रू ऑल्सो, इज अ लेजेंड. तो वो फिर मैंने उनकी बात वो थोड़ा सोचा था कि हाँ अमिताभ जी का अलग कहानी है, वो तो सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम है, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स. लेकिन उस वक्त ऐसा दौर था कि टीवी वाले फिल्मों में नहीं एक्सेप्ट करते थे उनको, वो तब था. आजकल तो टीवी ओटीटी फिल्म स्टेज ये सब एक हो गया है, सब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जो मर्जी सब कर रहे हैं, जहाँ अच्छा रोल दिखा वो रोल कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और सब दिख रहे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया. ऐसे कहा कि सबका हाथ में पूरी इंडस्ट्री है, टीवी भी है, ओटीटी भी है, फिल्में भी सब इधर ही हैं, तो यू कैन सी दैट. अभी ये बहुत मीडियम बहुत छोटा हो गया है, मतलब यू नो ये इतना हो गया, छोटा 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 मीडियम हो गया, जितना साइज का फ़ोन है उतना हो गया. 72 mm से अब हम 7 inch के मोबाइल पर आ चुके हैं, तो आपको लगता है ये एक्टर्स के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है या इट्स अ ड्रॉबैक कि ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? जैसे कोई फिल्म आ गई ओटीटी पे, एक महीने बाद आ गई, अब नहीं देखी तो मिस नहीं करता कोई, ओटीटी में आ गई तो मेरे मोबाइल पे भी आ गई, अब डाउनलोड कर दी, फ्लैट में बैठे 3 घंटे की फ्लैट है मुंबई कलकत्ता, बैठ के देख लिया आपने, पिक्चर ख़त्म. वो जो थिएटर में जाना था वो एक मज़ा है, वो अपना मज़ा अलग होता है. इवन टुडे एवरी फ्राइडे आई गो एंड वॉच अ फिल्म, फ्राइडे सैटरडे दो में से एक दिन मैं एक पिक्चर देखता हूँ, यू नो उसका एक माहौल अलग है. फिल्म थिएटर में जाकर देखना एक इज़ लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस, वो साउंड सिस्टम, वो पर्दा, वो जो माहौल बनता है उसका एक अलग मज़ा होता है. यहाँ पर क्या देखोगे आप, यहाँ पर तो रीज देख लो आप फिर. लेकिन कोई पिक्चर छूट गई, नहीं देखी, निकल गई थिएटर, तो फिर ऑप्शन इज दिस और योर ओटीटी टीवी पे. सो ये के फ़ायदा ये है कि मिस हो गई तो देख लिया. लेकिन कई लोग नहीं देखते हैं, अरे वो आ जाएगी ये टीवी पे यार, मोबाइल पे देख लेंगे, ये एटीट्यूड गलत है इंडस्ट्री के लिए, एक नेगेटिव पॉइंट है. तो ज़्यादा ये भी हो रहा है, जो फिल्में नहीं चलने का कारण आज ये भी है कि बहुत नहीं, क्योंकि ओटीटी पे आ ही जाएगी, Z5 पे या इधर उधर नेटफ्लिक्स पे कहीं ना कहीं आ जाएगी, ये एटीट्यूड लोगों का हो गया. एक्सपीरियंस जो वहाँ होता है ना जाके देखने का, वो लोग मिस हो गया तो चलता वाला एटीट्यूड हो गया लोगों का. सो अमर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन न्यूज स्पॉटलाइट. आई बिलीव हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय करा, और सच में बताऊं आपके बिल्कुल डाई हार्ट फैंस भी बैठे यहाँ पर जो आपको देखते हुए बड़े हुए हैं. सीरियसली मतलब मैं तो प्रोसेस इज ऑन. सो थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस. मजा आ गया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. मजा आ गया.